Zora. 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 ये मामला तो सीरियस हो रहा है. कुछ कर, कुछ कर. Zora. Zora. रुक जाइए, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा. आज मुझे कोई नहीं रोक सकता. तुम मेरी हो जोरा, और जो कुछ है होरा वो ठीक है होरा. अब साइड हटो थोरा. वो तुम चले. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. ये जोरा नहीं है, जोरा नहीं है. ये सब एक नाटक था, एक प्लान था. वो क्या, हमने आपकी बातें सुन ली थी, इसलिए हमने ये सब प्लान किया है ताकि आप ये जगह छोड़ के भाग जाए. इसे देखिए, देखिए ध्यान से, ये रिया है, रिया. और जो कुछ भी किया है हम तीनों ने किया है. ये सब मुझे पता है. आई बड़ी जोहरा जान, तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है तुम लोगों ने. तुमने मेरे परिवार में फूट डालकर हम सबको यहां से फूटाने की कोशिश की है. अब मैं भी देखता हूं कि तुम लोग यहां पर कैसे रहते हो. एक बात आपका क्या कह रहे हो यार, गांठ बांध कर रख लीजिए कि अगर कोई यहां से जाएगा तो आप जाएंगे, ये जाएगा, वो जाएंगी, वो जाएंगी, लेकिन हम तीनों यहीं रहेंगे और ये गेस्ट हाउस चला के रहेंगे. अरे तो क्लियर तो बोला करो. बस कामुक, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन यहां पर रहता है और कौन यहां से जाता है और कौन यहां रहने आएगा. चल चल. तुम पे कौन सा भूत चिपट गया पल्लू घुमा के? अरे भूत नहीं चिपट गया, भूत तो मैं खुद हूँ, लेकिन आज ये भूत बहुत खुश है. ए जी, असली खुशी तो तुम्हें तब मिलेगी जब हम तुम्हारा फेवरेट भिंडी का भरता और अमरूद की पकौड़ियाँ तल के धर देंगे पल्लू घुमा के. भरते को लो और फेंक दो और अमरूद को कुचल दो, कुचल दो. पर तुमसे कितनी बार कहा है कि हम मर चुके हैं और बन चुके हैं हम भूत, फिर काहे का अमरूद. अरे खुश तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारी काबिल बेटी पहली बार उस लड़के को अकेले डराने गई है. वो लड़का जो हमारी हवेली में टिका हुआ है, अकेले अकेले गई है. आखिर बेटी किसकी है? किसकी है? किसकी है? ए जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हम पे शक कर रहे हो पल्लू घुमा के हैं? और खुद बड़े दूध के धुले और वो हिमालय से खुले हो रहे हो पल्लू घुमा के. अरे वैसे हिमालय से याद आया, तुम्हें याद है एक बार तुम छत पर चढ़ गई थी सोने के लिए और मैं भी छत पर आया था तुम्हें छेड़ने, और फिर टांकी पर जो है. लेकिन हमारी बेटी अभी उस लड़के को डरा कर आती होगी, तुम दोनों देखना, मेरी बेटी आती ही होगी. Actually, what happened on टंकी that night? भाई टंकी का ढक्कन जब खुला. Dad, I am unmarried. मैं तो तुम खुद ही तो पूछ रहे हो कि what happened on टंकी that night, और जब बता रहा हूँ तो unmarried unmarried कर रहे हो. ये क्या बात हुई? अरे कामुक, कामुक. ए जी, वो टंकी वाली बात फिर से करो ना. तुम भी ना. फिर टंकी का ढक्कन तो मम्मी. जाने दो ना. तुम्हारा बेटा है वो? हाँ.
लड़की को वहां पर डरा कर उसके बल्ब को फ्यूज करने भेजा था और तुम हो के अपने दिल की ट्यूबलाइट को ही फुकवाई। बापू अगर मैं शादी करूंगी तो उसी लड़की से करूंगी, वरना मैं घर छोड़कर उड़ जाऊंगी। ए जी सुनो, मान जाओ ना कटीली जो कह रही है पल्लू घुमा के। और वैसे भी तुम तो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हो जैसे कटीली तुम्हारी छोरी ना है, बल्कि वो अपने पड़ोस में रहते थे ना, क्या नाम था उनका, रसोगी, रसोगी जी की छोरी है रही है पल्लू घुमा के। और वैसे यूं भी सोचो कि एक ना एक दिन वैसे भी हमें अपनी कटीली के हाथ लाल तो करने ही है पल्लू घुमा के। अरे वो तो ठीक। अरे लाल से याद आया कुसुम कली, तुम्हें याद है उस दिन जब तुम लाल साड़ी पहनी थी और अचानक से बरसात हो गई थी और तुम भीग गई और मैंने आकर पीछे से तुम्हें यूं जकड़ लिया। आई एम अनमैरिड। सॉरी सॉरी, देखो ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती डैड? आई एम अनमैरिड, ये तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन का घर बसने से पहले ही आप उसे उजाड़ दें। ये रिश्ता हो के रहेगा। मेरी तो कोई इस घर में सुने ही ना है पल्लू घुमा के। देखो हम क्या कह रही हैं, एक बार हमारी कटीली का ब्याह हो जाए उस छोरे के साथ पल्लू घुमा के, फिर शादी के बाद हम उसकी भी जान लेके उसे भूत बना देंगे पल्लू घुमा के। बापू सुहाग रात में जब वो मेरा घूंघट उठाएगा तब मैं उसका गला दबा के उसे दुनिया से उठा दूंगी। अब तो आप खुश हो ना बापू, मान जाओ ना बापू प्लीज। ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। सकती। अरे कटीली, तुमसे बात किए बिना तो मैं, अब तुम लोगों की अगर यही मर्जी है तो ठीक है, मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ। ये हुई ना खुशी की बात। ए जी, खुशी के इस मौके पे क्यों ना हम कोई मिठाई बना ले पल्लू घुमा के, कहो तो बूंदी के लड्डू और बालूशाही बना ले पल्लू घुमा के। लड्डुओं को फोड़ दो। अरे तुम क्यों भूल जाती हो कुसुम कली के हम मर चुके हैं, अब हम नहीं है जिंदगी की राह के राही, फिर काहे की बूंदी और काहे का बालूशाही। आर यू मैड? क्या? हाँ, तुम्हारे आगे आज एक भूत नहीं बैठा है। मतलब भूत बैठा है, लेकिन एक भूत से ज्यादा तुम्हारे आगे आज एक लाचार बाप बैठा है। एक बात बताओ भूत अंकल, जैकी और कटीली की शादी की बात आप खुद भी तो जैकी से कर सकते हो। हाँ लेकिन यार देखो, मैं 50 साल पुराना भूत हूँ और तुम लोग आज के यंग जनरेशन, यो जनरेशन के नए लड़का लड़की, और तुम लोग बात करोगे तो शायद वो मान जाए। तुम लोग बात कर लो ना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? करेक्ट। देखिए भूत अंकल, अगर अंधेरा भगाना है तो उसके लिए लालटेन जलानी पड़ेगी। लालटेन जलाने के लिए उसमें तेल डालना पड़ेगा, तेल डालने के लिए पंप। बस बस मैं समझ गया। देखो अगर तुम लोगों ने मेरी मदद कर दी ना तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले 2 महीने तक मैं तुम्हारे किसी भी गेस्ट को नहीं डराऊंगा। मेरा वादा है ये, मेरा वादा। ठीक है तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम कटीली का रिश्ता जमाने की कोशिश करेंगे। मैं आज ही उससे बात करूंगा। थैंक यू थैंक यू। ट्राई करते हैं। Yes. बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, सम फ्रेश जूस सर। क्या बाइसेप लग रही है आपकी सर? सर मैं तुम और
सिर्फ तुम अब सर ये क्या कर रहे हैं आप सर मैं आपसे पूछा था कि आप नाश्ते में ऑमलेट खाएंगे या बॉइल्ड एग्स बनवा दूं ऑमलेट ये ऑमलेट खाने का टाइम नहीं है बल्कि लाइफ बनाने का टाइम है मुझसे दोस्ती करोगे बोलो करोगे ना देखो मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है इसे जोड़ोगे जोड़ोगे ना तुम अब यार ये तो मुझे दिल दिया दिलदार को तरस रहा हूँ प्यार को टाइप आदमी लग रहा है सर वो क्या है ना मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया मैं अभी आता हूँ एक मिनट सर सनी मॉर्निंग दिस इज नोन एज कंट्री साइड ऑफ दिस कंट्री और सर क्या हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है अभी कहाँ सर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है आपकी शादी हो गई है क्या हुई तो नहीं पर किसी के चक्कर में हूँ अरे ये तो कमाल हो गया सर व्हाट अ कोइंसिडेंस इस गेस्ट हाउस में कोई और भी है जो शादी के चक्कर में है आप कहें तो मैं आपके कमरे में मीटिंग फिक्स करवा दूंगा आज रात सच मुझ करवाओ ना मेरा दिल टूटा हुआ है इसे जुड़वाओ मैं इंतजार करूंगा मुलाकात करवाओ यार बिल्कुल सर आज रात 10 बजे हाथ में पानी से भरा हुआ जग और खाली ग्लास लेकर आपको उसका दीदार हो जाएगा थैंक यू अबे यार कहाँ फंस गया हूँ सुबह सबकी भूख मिटाऊं और रात को सबकी प्यास बुझाऊं आइडिया पानी का जग देते ही सोने चला जाऊंगा पानी से भरा जग खाली ग्लास ओहो तो ये वही है सर ये आप क्या कर रहे हैं सर कुछ नहीं तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मुझसे दोस्ती करोगे ना सर एक मिनट सर ये ट्रे पकड़िए सर मैं एक मिनट में वापस आता हूँ हाउ स्वीट शर्मा गया इसकी जरूरत नहीं प्यास तो देखकर ही बुझ गई कैसी रही खुद ही पूछ लेता हूं माई डियर फ्रेंड कैसा रहा सर अरे बहुत अच्छा मेरे तरफ से बात मंजूर समझो तुम इसे जमा दो हाँ बिल्कुल जमा दूंगा सर आप आराम से सो जाइए पक्का अभी नींद कहाँ आएगी पर तुम इसे जमा दो